नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। एक्टिंग किंग मनोज बाजपेयी की नई फिल्म आई है एक बंदा ही काफ़ी है। उनका ये फिल्म को प्रमोशन को लेकर पटना पहुंचे हैं और विभिन्न कार्यक्रम में वो भाग भी लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद उन्होंने उस फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले मनोज बाजपेयी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए आप। हमेशा जो है किसी भी परिवर्तन की शुरुआत में एक ही आदमी तय करता है कुछ बदलने के लिए, और बाद में सब लोग जो उस पर उसके फिलॉसफी में उसके आदर्श में विश्वास रखते हैं वो धीरे धीरे उसके साथ आते जाते हैं। शुरुआत हमेशा एक ही आदमी करता है। ये फिल्म आपकी पहले ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है और बड़े पर्दे पे आ रही है, तो ऐसा बड़े पर्दे पे आ चुकी है, बहुत सारे छोटी छोटी जगहों पे सिंगल स्क्रीन पे ये फिल्म रिलीज़ भी की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दर्शकों की भारी डिमांड पे, सोशल मीडिया पे उनके डिमांड भरे हुए थे कि ये फिल्म देखने के बाद उनका मन नहीं भरा था क्योंकि उनको लगा कि ये बड़े फिल्म पर्दे की फिल्म है। चूँकि मल्टीप्लेक्सेस ओटीटी की फिल्म को जब अगर वहाँ रिलीज़ हो गई हो तो मल्टीप्लेक्सेस में नहीं दिखा सकते, उसके कारण हमारी अपनी लिमिटेशन थी, इसलिए हमने सिंगल स्क्रीन पर जहाँ जहाँ स्क्रीन मिला हमने इसको वहाँ पर रिलीज़ किया और वहाँ पर भी ये फिल्म बड़ी अच्छी जा रही है, लोग जाकर के देख रहे हैं। ये इस फिल्म की भारी सफलता है। जितने कम समय में इसने इतने सारे दर्शकों को अपनी तरफ ये फिल्म लेके आई ओटीटी पे, ऐसा एक कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है। कितने सिनेमाघरों में रिलीज हो गई? हो चुकी थी, हो चुकी है, 30 में है अभी इसको रिलीज। कौन सी तारीख को हमने रिलीज़ किया था? 23 मई को रिलीज़ किया था हमने ओटीटी पे, उसके दो हफ्ते के बाद सिनेमा हॉल में आ गई थी। यहाँ पर भी कृष्णा में चल रही थी ना, कृष्णा में। सर, दर्शकों को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य, इस फिल्म का क्या उद्देश्य? देखिए, फिल्म अच्छी है, सबसे पहली बात की फिल्म अच्छी है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और इसमें जो बाल सुरक्षा को लेकर के समाज को जागरूक करने के बहुत सारे इसमें का जो सबसे गंभीर मुद्दा है उसको बड़े कमाल के ढंग से इसको स्क्रिप्ट में लेके आया गया है और जो कि फिल्म में भी दिखाई देता है। एक अच्छी कहानी है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखी जा सकती है, अच्छी फिल्म है और दर्शक हमेशा अच्छी फिल्म चाहता है, और मेरे हिसाब से अब तक जो करोड़ों दर्शकों ने देखा है वो इसी बात से ये साबित होता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जा करके उन्होंने इसके लिए मुहिम खड़ी की है, वो इसी साबित करता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। फिल्म में आपने वकील का किरदार निभाने के लिए किस तरह से आपने तैयारी की है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या उसमें? चूँकि आप पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको बताऊँ, मैं कोई पेशा नहीं निभाता हूँ, मैं व्यक्ति का किरदार निभाता हूँ। वकील 50 तरीके के हो सकते हैं, 50 व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मैंने सोलंकी नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया है जो पेशे से वकील है, और उस किरदार को लेके आने के लिए मुझे जो मशक्क़त करनी पड़ी वो उसी तरीके की मशक्क़त है जो बाकी फिल्मों में हम लोग करते हैं। किरदार को जीना सब बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि तैयारियाँ वो जैसे मैंने बेटा आपको यही बोला कि शायद यही तैयारी हम सारी फिल्मों में करते हैं, उसमें कल्पना शक्ति होती है, उसमें आपका रिसर्च होता है, उसमें आपके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, आप कैसे उस किरदार को देखते हैं ये होती है, वो किरदार बात कैसे करता है, वो चलता कैसे, वो खड़ा कैसे होता है, उसके अपने संबंध माता के साथ क्या है, बेटे के साथ क्या है, वो केस ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सोलंकी जो वकील हैं वो कोई ऐसे हीरो नहीं हैं जो डरते नहीं हैं, वो डरते भी हैं, सहमते भी हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। एक ऐसा किरदार जो इस रूम में बैठे हुए हर व्यक्ति से मिलता जुलता हो, ऐसा बनाने का जिम्मा मैंने लिया था, और जिस तरीके से दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। मैं नीतीश जी से भी मैं पहले बात कर चुका हूं और तेजस्वी जी से भी बात किया है मैंने, और आशा करता हूं कि जो फिल्म पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है उसको जितनी जल्दी हो सके कार्यान्वित किया जाए,
एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के कलाकार होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ताकि पॉलिसी आने के बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिहार में आकर के शूटिंग करना पसंद करेंगे। क्योंकि किसी भी जगह जा कर के अगर दूर जाते हैं मुंबई शहर से तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं और उतना खर्चा हर फिल्म नहीं उठा पाता है, इसलिए वो अपने आसपास करते हैं या उस जगह जाते हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक जो उस जगह पे उनको कोई सब्सिडी मिल रही या कोई उस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार की फिल्म पॉलिसी जल्द से जल्द कार्यान्वित हो, ताकि मुंबई इंडस्ट्री से बाकी सारी इंडस्ट्री से लोग आकर के इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले। देखिए, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा तो नहीं था, एंड जब मैंने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा था तो मैं हिंदी फिल्मों में जाना चाहता था। उसके बाद से आज तक मैं हिंदी फिल्मों में ही काम कर रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा वही लोग बता पाएंगे जो लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी व्यस्त रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, निहुआ हो, रवि किशन हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार के होने के नाते और भोजपुरी बोलने वाले के नाते मैं चाहूँगा कि भोजपुरी में लगातार अच्छे अच्छे काम, अच्छी कहानियाँ लिखी जाएँ, अच्छी कविताएँ लिखी जाएँ, अच्छी फिल्में बने, बस इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। तो आपने सुना कि अपने फिल्म के प्रमोशन को लेकर वो पटना आए हैं, उन्हें विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए, उन्होंने राजनीति के का सवाल पूछा गया, राजनीति से जुड़ी सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं कभी भी 200% आप लिख के ले लीजिए, मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊँगा। उसके बाद उन्होंने फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म जो है उसमें वो वकील का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बहुत मज़ेदार है, अगर लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि आने वाला भी फिल्म उनका एक है जो कि अक्टूबर से नवंबर में रिलीज़ होगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंसाइडर लाइव। नमस्कार।